लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने सरकार और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष चुप बैठा था, लेकिन एक खबर ने शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। दरअसल ईवीएम पर सियासी बवंडर की शुरुआत मुंबई से हुई। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर पर आरोप लगाया गया है कि वे 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में एक मोबाइल फोन लेकर गए और ईवीएम को अनलॉक किया, लेकिन मुंबई में ईवीएम हैकिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। हालांकि मुंबई पुलिस ने शिवसेना सांसद के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मुंबई की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। ईवीएम को लेकर टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। एलन मस्क के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ईवीएम को लेकर ट्वीट किया और कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी के ईवीएम पर उठाए गए सवाल के बाद समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी सियासी अखाड़े में उतर आए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। राहुल गांधी और अखिलेश के बयान के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी पलटवार किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ईवीएम को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि यह कैसे संभव कि जहां राहुल गांधी चुनाव जीते हैं वहां की ईवीएम सही थी और दूसरी जगह की ईवीएम खराब थी। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि ईवीएम में खराबी होती तो उनका परिवार चुनाव नहीं जीतता। राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्षेप किया ईवीएम मशीन को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या राय? देखो, यहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो दो जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा दे के फिर से चुनाव लड़ता हूँ, ऐसा होता है क्या? और ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है, और जहाँ ईवीएम जहाँ उनको ज्यादा सीटें मिलती है वो ईवीएम अच्छी है, और जहाँ हार जाते हैं वो ईवीएम खराब है, ऐसा कहीं होता है क्या?